ये हमारे अब्बास, ये रॉकी रजा, इन्होंने लिए हैं ये बुक दोनों। फिर यहाँ पे देखा ये अब्बास अब्बास ने लिए 3,000 यहाँ पे भी, और ये एक सिंगल बुक ली है इन्होंने। जिस लाइन को हम बोलते हैं VREG L2 या L2 की सप्लाई, या दिस लाइन इज आल्सो कम फ्रॉम बक, तो ये बक से भी बन सकती है। और अगर तुम्हारे बक नहीं बन रहे होंगे ना और ये वोल्टेज मिस होंगे तो भी तुम्हारा सेट पर सेम UMC वाली रीडिंग आ सकती है। सो ये सारी चीज बताने के लिए भाई मैंने आपको ये वीडियो बनाया था। सो आई होप कि आपको ये पर्सनली वीडियो पसंद आए। शुरू में हो सकता है आपने यहाँ पे दो लाइन खींची देखी हो, तो भाई मेरे वो यहाँ पे एक लाइन बाय मिस्टेक खींच दी थी, इसलिए मैंने हटा दी है, क्योंकि जब मुझे बताना है तो ऑब्वियस है कि मैं बिल्कुल एक्यूरेट ही बताऊंगा। और ये सब कुछ टेस्ट, अब ये 1.7 का मतलब ये है कि बेसिकली यहाँ रैम को वोल्टेज मिल रहे हैं और ये L5 वाले वोल्टेज है। L5 हम L5 तो देख लेते हैं, अब हम देखते हैं बेसिकली L2 या जो हमारे बक से बनते हैं, और ये बनने चाहिए 1.2। सबसे ज्यादा इसी वोल्टेज का फॉल्ट होता है दोस्तों, और ये वोल्टेज मिस होते हैं ना तो रीडिंग बैक हो जाती है, मतलब जो आपका DC का मशीन। अब देखो ये हमें मिलना चाहिए VDD2। सब लोग ध्यान दो इधर, ये A देखो, सब लोग देख लो, A B B के बाद C C के बाद D और D के बाद E आता है, जो कि यहाँ पे गैप है और उन्होंने E यहाँ डाल दिया है। अब यही चीज 8A में देखो, यहाँ पर नोटिस करना, तो ये देखो यहाँ पर देखो A B C D E और फिर F। ये गलती है, आप गलत पढ़ लोगे गलत पैड पर, तो ये गलती है मेरे भाई, ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हम सुनते हैं सिर्फ अपनी जिद की। जिद है मेरा फितूर, जिद है मेरा गुरूर, जिद है मेरी जुर्रत। हाँ माय YouTube फैमिली, कैसे आप सभी लोग, मेरा नाम है देवेंद्र रंगवाल। और दोस्तों ये एक बहुत प्रोफेशनल वीडियो है, अगर आप बेसिकली मोबाइल रिपेयरिंग में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, आप घुसना चाहते हैं तो भी आप ये वीडियो एंजॉय कर सकते हैं, और अगर आप काम कर रहे हैं हार्डवेयर पे सॉफ्टवेयर पे तो भी आप ये वीडियो एंजॉय कर सकते हैं। बट अगर आप UMC पे काम करते हैं और UMC पर भी काम करने के बाद आपका फोन चालू नहीं होता है, आपका ऑटो कोड बनता है, या आपका UMC आप चेंज कर रहे हैं उसके बाद चालू होता है, वही UMC जब UFI में लगाते हैं या JTEC में लगाते हैं तो आपका UMC सही रहता है, बट जब आप देखते हैं कि मैंने चेंज कर दिया तो चालू हो गया, तो सर ऐसा कैसे? सो ये बहुत प्रोफेशनल वीडियो है और ये उन टेक्नीशियन के लिए है जो UMC में अक्सर फंसते हैं। तो प्लीज ये वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो है ना एक पेड वीडियो बोल सकते हैं आप। ये वीडियो मतलब आप देखेंगे तो आपको ना हो सकता है इंस्टीट्यूट, किसी भी बहुत कम इंस्टीट्यूट जो एक्चुअल नॉलेजेबल इंस्टीट्यूट है उसमें देखने को मिल सकता है। बाकी अगर आपको इससे भी ऊपर जानना है तो आप हमारी क्लासेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जो मैं आज आपको बता रहा हूँ उससे भी कहीं डीप लेवल पे हम अपने स्टूडेंट को क्लास में सिखाते हैं। सो अभी तो फिलहाल एक वीडियो हमारे सब्सक्राइबर के लिए, घर बैठे टेक्नीशियन के लिए, कि भैया जितना सीख सकते हो उतना सीख लो। और आज मैं आपको अपने बुकों के बारे में बताऊंगा कि ये देखिए ये कुछ कुरियर होने के लिए बुक है, और मेरी बुक के बारे में भी थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप इसको भी इजीली परचेस कर सके, और जो भाई परचेस नहीं कर पा रहे हैं तो उसके बारे में भी मैं बताऊंगा कि भाई कैसे परचेस करना है, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले तो यार देवेंद्र अग्रवाल का जय श्री राम, राम राम, अस्सलाम वालेकुम। और जो मोदी जी ने किया ना, मैं कोई मोदी भक्त नहीं हूँ और ना ही मैं किसी के अगेंस्ट हूँ, मैं तो एक न्यूट्रल हूँ, और मैं जो मेरे PM करते हैं उनके लिए मैं, जो उन्होंने किया है ना, हर घर में तिरंगा, मजा आ गया कसम से। आपने भी अपने घर पे तिरंगा लगाया होगा आई होप, और जो आपने देश की जो भावना आती है ना कि कुछ करने की, तो चलो तिरंगा लगा के ही हमने सही बाहर निकाली अपनी भावना और मजा आया। और अब दोस्तों बात करते हैं सर्किट की, क्योंकि वीडियो डेडिकेट है UMC वो भी VGA 221। देखो दोस्तों VGA जो होता है उसको बोलते हैं बॉल ग्रिड एरे, और अभी जो आपने सुना होगा FPGA, मतलब जिसको बोला जाता है फाइन पिच बॉल ग्रिड एरे। अब देखा आजकल के पहले के जो VGA आते थे ना, वो VGA 153, तो बेसिकली वो VGA केवल EMMC होते थे, पर अभी के डेट में EMCP मतलब एम्बेडेड मल्टीमीडिया चिप प्रोग्राम, एक या का पैकेज एक तरह से, जिसमें आप सिर्फ UMC मतलब पार्ट नहीं है, जिसमें रैम भी है, मतलब रोम भी है और रैम भी है। सो इसलिए ना लोग बहुत ज्यादा फंसते हैं, इसलिए लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। ये वीडियो हम सबके लिए बना रहे हैं, तो जितने भी लोग हो इस वीडियो से फायदा उठाइए। दोस्तों क्या होता है कि हम केवल UMMC का एक पार्ट देख रहे हैं, हम UMMC का दूसरा पार्ट देखते ही नहीं है, हम कभी नहीं चेक करते कि UMMC का दूसरा पार्ट है कि नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ ये
यहाँ पे देखिए मैंने एक एमएमसी का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, यहाँ पे देखिए मैंने एमएमसी का डायग्राम बनाया हुआ है और ये एंडलेस डायग्राम है, मुझे नहीं लगता ये डायग्राम आपको कहीं देखने को मिलेगा। और यही डायग्राम मैंने अपने बुक में भी दिया हुआ है, जैसे कि मैंने बताया कि भाई आप एक कम दाम में एक बहुत नॉलेज ले सकते हैं, और ये तो इसके बाद में मैं बताऊंगा ही। और मैंने यहाँ पर पार्ट कर दिए, आप देख सकते हैं एमएमसी को मैंने पार्ट कर दिया है। आप देखिए यहाँ पर, यहाँ लिखा हुआ है एमएमसी पार्ट, आप देखिए यहाँ पर, यहाँ पे लिखा हुआ है रैम पार्ट, और आप देखिए यहाँ पर, यहाँ पर मैंने एमएमसी एक डायग्राम खोला हुआ है और एक फोन। प्रैक्टिकली मैं जो भी चीज बताऊंगा, मैं बाकी लोग जैसा नहीं है कि सिर्फ बोल दिया और बोर्ड में लिख दिया, आई एम एक्चुअली टेक्नीशियन एज टीचर एज कम टेक्नीशियन, तो मैं जो भी चीज बताऊंगा प्रैक्टिकली वहां वोल्टेज, एक्चुअल वोल्टेज बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा सिर्फ एमएमसी में दो वोल्टेज चेक करके आपकी एमएमसी सही नहीं हो जाएगी। अगर आप सोच रहे हैं, इधर थोड़ा सा जूम अगर आप करेंगे, अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ L8 L5 की सप्लाई, अगर आप देखेंगे VREG मतलब वोल्टेज रेगुलेटर एक 1. अगर आप सोच रहे हैं कि यहां पर एक 2.8 और एक 1.8 वोल्टेज, इन दोनों की वोल्टेज की सप्लाई देखकर आप सोचेंगे कि एमएमसी आपकी प्रॉपर है, तो मेरे भाई हो सकता है या अधूरा नॉलेज है, हो सकता है यही वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा है कि भाई सर इससे ऊपर क्या नॉलेज है। सो एमएमसी के लिए बेसिकली प्रॉपर नॉलेज के लिए ही ये मैंने वीडियो बनाया है। सो वीडियो को एंजॉय करें और पूरा जरूर देखें। और अगर आपको लग रहा है कि ये बार बार देखने से आप व्यू दे रहे हैं या आपको लग रहा है कि हमें पैसे आ रहे हैं, सो ऐसा कुछ भी नहीं है, पैसे बिल्कुल ना के बराबर आते ही नहीं है। मतलब ये समझो कि जो एड चलते हैं वो तो एड पता नहीं कैसे चल जाते हैं, तो आप इसको डाउनलोड भी कर लीजिए, आप डाउनलोड कर लो आराम से अपने मोबाइल में, देखो कोई दिक्कत नहीं है देवेंद्र अग्रवाल को, बट आपका फायदा होना चाहिए। और आपको लगेगा ना कि आज सर यहाँ से आपके चैनल से सीखने को मिला है ना, सो फिर आपको लगेगा भाई इंस्टीट्यूट आऊं तो मैं आपको क्या नहीं सिखा सकता, मैं आपको क्या नहीं सिखा दूंगा, आप सोच नहीं सकते हैं। एक एंडलेस सर्किट, एक एंडलेस डिटेल, और वो भी हर एक डिटेल विद प्रैक्टिकल आपसे ही करवाया जाएगा, ये मैं वादा और एक प्रॉमिस करता हूं आने वाले मेरे स्टूडेंट से। सबसे पहले मैं जब भी क्या होता है कि हम जब एमएमसी है, यहाँ पे दिखाइए, एक मैंने फॉर एग्जाम्पल एक बोर्ड लिया हुआ है जिसमें आप देखिए एक एमएमसी उतरा हुआ है, जिसमें आप देखेंगे एक एमएमसी उतरा हुआ है। अब यही बोर्ड का अगर मान लीजिए, यहाँ पे देखिए मैंने कैमरा के थ्रू चला रहा हूं, अगर यही बोर्ड का अगर मैं आपसे बोलूं कि आप डायग्राम खोलेंगे ना, तो बहुत सारे लोगों को ना ये देखिए ये 8A का सर्किट है और यहाँ पे डबल टिक किया ये एमएमसी आ गई। अब आपको ना ये कंफ्यूज करता है, इतनी सारी सप्लाई सर, ये सारी सप्लाई समझ में नहीं आती है। और आप लोगों को ना कुछ इंस्टीट्यूट वाले से भी इतना बता देते हैं कि भैया दो लाइन चेक कर लो, एक 1.8 और एक 2.8, बट मेरे प्यार हो, बट मेरे प्यार हो, इससे भी कहीं ऊपर लाइन है। मैंने इसलिए कहता हूं क्योंकि देखो सीखने का एक लेवल होता है, पहले बेसिक सीखा जाता है, जैसे बोलते ना स्कूलिंग के बाद ही कॉलेज के बाद मास्टर की जाती है, फिर पीएचडी लेवल, तो एकदम से पीएचडी लेवल नहीं कर सकते हो। आप ये नहीं सोच सकते हो कि आज मैं कल जैसा मैं इन जैसा बन जाऊं दो दिन के अंदर, नहीं मेरे भाई। तो ये समझने के लिए ना इसलिए धीरे धीरे बेसिक, हो सकता है कोई इंस्टीट्यूट वाला आपको ये बता के बोले कि मैं अपडेट में दूंगा, जैसे कि कई बार हम भी अपने स्टूडेंट को बेसिक सिखा के फिर उसको बोलते हैं कि हम अपडेट में दे रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो देखो यहां पर भी ना एमएमसी को पार्ट में बताया गया है, थोड़ा सा यहां पर दिखाइए। तो देखिए यहां पर अगर मैं बात करूंगा, ये देखिए पहला पार्ट आप देखिएगा पावर, उसके बाद में अगर आपको दिखाऊंगा एमएमसी, पहला पार्ट आप देखिएगा यहां पर पावर, फिर उसके बाद में दिखाऊंगा यहां पर एमएमसी, फिर यहां पर दिखाऊंगा देखिए LPDDR3, और जो LPDDR3 है ये इसका रैम का पार्ट है। सो आप ये सोचेंगे सिर्फ सर रैम की सप्लाई आती है, कोई वोल्टेज नहीं आता क्या, ये गलत है। यही हमें जानना है कि सिर्फ एमएमसी के वोल्टेज आना जरूरी नहीं है, उसके रैम के वोल्टेज भी आना जरूरी है। अगर रैम के वोल्टेज नहीं आए और अगर रैम को वोल्टेज नहीं मिला तो भी आपका फोन ऑन नहीं होगा। तो ये सारी चीजें आपको जानना जरूरी है और इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं थ्योरिकल बता देता हूं, सबसे पहले मैं बोर्ड पे समझा देता हूं। और क्योंकि हमने एक आप देख सकते हैं पूरा VGA, और ये जो VGA है बेसिकली ये VGA 221 है, मतलब 221 का मतलब ये होता है कि इसमें VGA 221 बॉल है। आप अगर गिने तो 221 बॉल है यहाँ पर। जिस तरह से हमने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, आप इसे कहीं बेहतर अपने घर पे भी बना सकते हैं और अपने नोट्स पे बना सकते हैं। और बेसिकली इस अभी इसमें गोले हैं, देखिए आप ये खाली हैं, पर हम इस पर इसकी GR वैल्यू हम इसकी बनाएंगे। और ये GR आपके दो कंडीशन में होगी, एक नॉर्मल और एक फॉर एक रिवर्स। सो बेसिकली एक नॉर्मल और एक रिवर्स GR में होगी, और ये दो GR वैल्यू और प्लस एक वोल्टेज की वैल्यू। तो बेसिकली एक तरह से हम इसका ये डाटा सीड है,
हम अपने स्टूडेंट को और ये सारी जो डाटा सीट है ये हम अपने स्टूडेंट अपने ग्रुप को प्रोवाइड कराएंगे। अगर आप लोग चाहते हो तो मुझे कमेंट करना। और यही सारी चीजें मैंने अपने बुक में भी डाली हुई हैं, जो कि बहुत ही एक्सटेंड लेवल पे और बहुत मेहनत करके दोस्तों सालों साल दर ये लिखी गई है, और उसके बाद ही मैंने इसको आपके लिए लाया और एक अपडेट वॉल्यूम है, आप ये मान के चलिए। तो अगर मैं इसको कब भरूं, मैं खाली डायोड मोड का जीआर निकाल के दे दूं तो ये गलत होगा, मुझे इसको समझ कर करना पड़ेगा। आपको हर एक वोल्टेज की लाइन, हर एक जीआर क्यों आता है, वहां क्या वहां जीआर आ रहा है, ओएल है या कोई वोल्टेज है, जीआर आ रहा है तो कितना आ रहा है, ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी। क्योंकि हो सकता है कि यहां पर आने वाला जीआर सीपीयू से ना हो, एक पावर से हो, क्योंकि यहां पर कुछ ना कुछ तो गेम है भाई पावर के साथ। सो आप देख सकते हैं ये सबसे पहले यहाँ पे दो पार्ट में क्या हुआ है। तो आइए चलते हैं सबसे पहले पार्ट वन समझ के। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे बताऊंगा कि यहाँ पे थोड़ा सा फोकस किया जाए। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे ईएमसी पार्ट वन, जो सिर्फ ईएमसी का पार्ट है। ये दो पार्ट में आप इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सिंपल सी बात है दोस्तों, किसी भी चीज को आप कोई भी इक्विपमेंट लाएं, जैसे फॉर एग्जांपल यहां दिखाइए, जैसे यहां पे ये एक स्पीकर है, इस स्पीकर को चलाना है तो एक इनपुट वोल्टेज देना पड़ेगा, ये तब जाके स्पीकर अपनी आवाज निकालेगा, एक इनपुट वोल्टेज। वैसे ही जब तक हम किसी भी चीज को अगर हमें एसेस करना है, हमें उससे काम निकलवाना है, तो हमें उसको एक इनपुट वोल्टेज मतलब कुछ खर्चा पानी ये तो देना ही पड़ेगा। सो वैसे ही ईएमसी का जो खर्चा पानी है, या तो मैं बात करूं तो वो है ईएमसी पावर, और ईएमसी को पावर दो वोल्टेजों से, दो लाइनों से मिलता है। तो उसकी जो कोडिंग होती है वो है एक वीसीसी और एक वीसीसीक्यू। आप पेन और कॉपी नोट करके रखना भाई, ये आपके लिए वीडियो बनाया है। यहाँ कोई मोबाइल चालू और बंद करके बंद करने का गेम नहीं है, यहाँ पे कोई टेक्नीशियन नहीं, यहाँ पे आपको समझाने के लिए सब्सक्राइबर को एक क्लास देने के लिए किया भाई। सो आप देखिए यहाँ पर आप थोड़ा दिखाइएगा, यहाँ पर वीसीसी और वीसीसीक्यू। वीसीसी बेसिकली एक से लेके पांच, मतलब टोटल पांच पैडों पे वीसीसी आ रहा है, और वीसीसीक्यू भी मतलब एक से पांच, मतलब केवल पांच पैडों पर वीसीसीक्यू आ रहा है। वीसीसी का जो वोल्टेज है दोस्तों, ये ना एक हायर एलडीओ वोल्टेज है और ये एक लोअर एलडीओ वोल्टेज है। ये दोनों वोल्टेज आपको पावर से मिलते हैं, L5 L8, ठीक है। तो ये दोनों वोल्टेज आपको पावर से मिलते हैं, जब पावर और ये वोल्टेज आपको मिलेंगे जब आप चार्जर लगाओगे, या ये वोल्टेज मिलेंगे जब आप टिगरिंग करोगे। टिगरिंग मतलब आप जब पावर की दबाओगे तीन चार सेकंड के लिए, अपने पावर एसी को सिग्नल दोगे और उसके बाद वो पावर डाउन रिसेट फिट सिस्टम ओके। तो ये सारी लाइन सिस्टम ओके बनता है जब हम चार्जर लगाते हैं, पर जब टिगरिंग करेंगे तो पावर ऑन रिसेट बंद कर हमें पीएस होल्ड की लाइन मिल जाएगी, जिससे हमारा ये वोल्टेज पावर ऑन रिसेट के बाद में हमारा ये वोल्टेज जनरेट होगा, जो पीएस होल्ड होगा वो इस वोल्टेज को स्टेबल करेगा। खैर ये बूट सीक्वेंस की बात है जो मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा। अब हम बात करते हैं, आपने ये दो वोल्टेज इंपॉर्टेंट जानना है। देखिए वीसीसी 15, वीसीसी 15, और यहाँ पे ये भी पांच पैड पे, ये भी पांच पैड पे। तो सबसे पहले ये दो वोल्टेज चेक करते हैं। देखिए मैं इस बोर्ड में, मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या इस बोर्ड में मेरा ईएमसी पर जो भी पैड है, जो भी वोल्टेज है, वो सब कुछ ओके है या नहीं। तो आइए सबसे पहले एक वोल्टेज जरूर चेक करते हैं। तो इधर दिखाइए मल्टीमीटर, देखिए मैंने मल्टीमीटर को वोल्टेज में सेट किया हुआ है, मैंने मल्टीमीटर को वोल्टेज में सेट किया हुआ है, ठीक है। तो यहां पर अब मैं यहां पर एक केबल का यूज करता हूं और ऊपर मैं कैमरा भी यूज कर लेता हूं ताकि ऊपर के कैमरे में दिखाई दिए जाए। अब आप देखिए, तो मैं सबसे पहले एक चार्जर लगाया, ये देखिए ऊपर वाले कैमरे में दिखा दो, ये देखो सबसे पहले मैंने चार्जर लगाया। मुझे यहां पर वीसीसी और वीसीसीक्यू ढूंढना है, तो पहले यहां पे ध्यान दीजिए सब लोग, ऊपर दिखाइए इनको टीवी पर। यहां पर आपने इसका पहले तो आप अपने मोबाइल में चले आना, डबल टिक करना। अब देखिए मान लीजिए, इधर दिखाइए, मान लीजिए मेरे पास डायग्राम नहीं है तो आपको पैड वाइज काम करना है, क्योंकि ये इसका कॉन्फ़िगरेशन पैड वाइज है। तो अगर मैं बात करूं यहां पर, अब देखिए यहां पर आपको कोडिंग ढूंढनी है, तो यहां पर दो कोडिंग ढूंढनी है, वीसीसी वीसीसीक्यू। सो देखो वीसीसी मिल गया और वीसीसीक्यू मिल गया, और इस पर आपको देखिए यहां पर वोल्टेज देखा L8 2.89 के समथिंग, और L5 1.8 जो कि हायर एलडीओ वोल्टेज और लोअर एलडीओ वोल्टेज है। सो बेसिकली मैं एक B3 और एक B6 इन दो पे चेक करूंगा। सो सब लोग ध्यान दीजिएगा, एक वोल्टेज देखूंगा मैं यहां पर। सो देखिए यहां से अगर मैं गिनू मेरा B6 क्या है, फिर पहले दिखा देता हूं। देखिए तो ये A, ये B, B1, B2, B3, ये B3 है, B3 4 5 6, मतलब यहां पर मेरा
1.2.8 और यहाँ पे मिला 1. यहाँ पे मेरा 1.2.8, यहाँ पे मेरा 1.8 बनना चाहिए। चलिए मल्टीमीटर दिखाइए। देखिए तो सबसे पहले अब देखिए दिखाइए वो मेरा पैड कहाँ पर लगाया हुआ है, ऊपर दिखाइए। तो देखिए 1, 2, 3 नीचे दिखाइए। तो देखो कितना वोल्टेज बन रहा है 2.8, ऊपर दिखाइए। देखो अब इसी के बाद मैं B6 1, 2, 3 मतलब 1, 2, 3 ये देखिए यहां पर दिखाइए, देखिए कितना बन रहा है 1.8। ठीक है, तो क्या इतना चेक करने से आपका MMC ओके है? नहीं मेरे भाई, आपको केवल सिर्फ वोल्टेज MMC के लिए नहीं आ रहे हैं, आपको वोल्टेज बहुत सारी सप्लाइयों के लिए आ रहे हैं। ये वीडियो बड़ा है पर ये वीडियो नॉलेजेबल है। तो ये वोल्टेज बेसिकली हमारे को और किन किन सप्लाई के मिल रहे हैं, तो ये तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने पहली अभी क्या मैंने पूरी MMC बताई है? नहीं, अभी मैंने सिर्फ एक पार्ट देखा है MMC का, वो भी छोटा सा, वो भी एक इनपुट पार्ट पावर का। अब बात करते हैं यहाँ पर MMC के, जो MMC को कनेक्ट करते हैं। याद है आप ISP करते हो तो आपने क्लॉक कमांड रिसेट, तो थोड़ा तो यहाँ पे पास लेना, थोड़ा तो यहाँ पे जूम करवाना चाहूंगा। सो देखिए अब हमें क्लॉक की बात करते हैं, तो क्लॉक हमारे को CPU से आता है जिसमें 0 ohms का रजिस्टर लगा होता है। बहुत सारे लोग ये कंफ्यूज होते हैं कि सर कहाँ पर मैं जम्पर मारूँ, कहाँ पर मैंने मारूँ, मेरा क्लॉक का रजिस्टर निकल गया, क्या मुझे टैंकी का रजिस्टर लगाना चाहिए या मैं कोई जम्पर मारूँ या 0 ohms का? सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर क्लॉक की लाइन पे ना आप सिर्फ GR चेक करो, क्योंकि वहाँ वो सिर्फ डायरेक्टली आपको मिलेगी CPU से, वहाँ कोई पुलअप रजिस्टर नहीं मिलेगा, तो वो आपको 0 ohms के रजिस्टर के साथ मिलेगा। अगर ये रजिस्टर आपका हट गया ना, तो आपका फोन ऑटो EDL पोर्ट मतलब EDL पोर्ट बना लेगा, CPU को लगेगा कि आपका आपके फोन में MMC है ही नहीं, क्योंकि वो क्लॉक सिग्नल नहीं भेज पा रही है। अच्छा, उसके बाद में रिसेट की लाइन भी बात करेंगे, तो ये भी डायरेक्ट CPU से, तो इस पे भी आपको GR चेक करना है। और दोनों पर जो GR है, मैं अगर GR बताऊ यहाँ पर, तो दोनों का जो GR है वो आपको 300 से 800 के बीच में मिलेगा, और इसका रिवर्स GR आपको मिलेगा 1000 के ऊपर जो रिवर्स पे है, ये भी हम चेक कर लेंगे। अब बात करते हैं वोल्टेज आपको कमांड पे चेक करना है। हाँ, ये बताना चाह रहा हूँ, देखो हमने वोल्टेज VCC पे चेक किया, हमने वोल्टेज VCCQ पे चेक किए, अब हम वोल्टेज कमांड पे चेक करेंगे जो कि एक पुलअप रजिस्टर टाइम के से हमें PNU के थ्रू आएगा। तो चलिए यहाँ पे दिखाता हूँ कमांड, आप इधर आइए। तो यहाँ पे देखिए मल्टीमीटर यहाँ पर आप देख रहे हैं, और यहाँ पर कमांड का लाइन दिखाता हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पर कमांड की लाइन कौन सी है, देखो पावर हमारा हो गया डन, अभी पावर को भी आधा डन हुआ है, पूरा नहीं, क्योंकि इसी में MMC का पार्ट। तो देखो VCC VCCQ हो गया। अब देखो ये है कमांड, तो कमांड में एक पुलअप रजिस्टर जैसे कि यहाँ पर लगा हुआ है, ये लगा होता है, तो ये है A6 पर। तो आइए A6 की लाइन पर हम चेक करेंगे, हमारे को लगभग 1.7 या 1.6 मिलना चाहिए, 1.6 भी मिल सकता है। सो एक बार मैं चार्जर लगा के एक बार वोल्टेज चेक करना चाहूंगा। पहले ऊपर दिखा दीजिए कि मेरा, मैं पहले गिनवा देता हूँ। देखिए तो यहां से अगर मैं देखूं, ठीक है, तो यहां से गिनेंगे 1, 2, 3, 4। देखो आई होप कि आपको क्लियर दिख रहा होगा। अब यहां से A6 गिनेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब यहां पे भी मेरे को वोल्टेज मिलना चाहिए, यहां पे दिखाइए, देखिए 1.7 मिल रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कि आपका कमांड की लाइन पे भी, देखो दोस्तों ये इससे पावर भी चेक हो रही है और इससे MMC भी चेक हो रही है कि MMC का जो GR है वो भी आ रहा है। मैं यहाँ पे GR भी चेक कर सकता हूँ, तो यहाँ पे जो GR का रीडिंग है ये मैं अपने स्टूडेंट को देने वाला हूँ, आपको चाहिए तो क्लिक लाल ज्वाइन करो जैसे कि मैंने कहा। और अब बात करते हैं अब कमांड क्लॉक रिसेट। अब जैसे क्लॉक और रिसेट पे ना आपको GR चेक करना है, तो एक बार GR देख लीजिए यहाँ पर, देखिए तो मैंने यहाँ पर डायोड मोड पर डालूंगा, नोटिस कीजिएगा, ये देखिए ये डायोड मोड पर चला गया मेरा फोन, मेरा मल्टीमीटर। अब मैं यहाँ पे कूल टेस्टिंग करूंगा, तो इसको मैं करूंगा ग्राउंड और उससे करूंगा टेस्टिंग, और सबसे पहले मैं देखूंगा कि मुझे किस पे करना है। तो नोटिस कीजिएगा, तो मैं करूंगा रिसेट मतलब C2। तो आप देखिए C2 पे मैं कूल टेस्टिंग करूंगा, तो ये ABC C1 C2। तो यहाँ पे दिखाइए, देखिए 487। अब इसको रिवर्स मोड में ले रहा हूँ, देखिए तो उसको बोलते हैं रिवर्स GR। देखिए तो रिवर्स GR देखिए लगभग 815 यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है इस मल्टीमीटर के साथ। आपको क्लॉक भी दिखा देता हूँ B8, और उसके बाद एक आपको दिखा देता हूँ डाटा की लाइन DSL। तो यहाँ पर दो लाइन दिखा देता हूँ, तो एक B8 और एक A7। तो A7 इन दो पर जो हमारा, आप देखो यहाँ पर हमें जो वोल्टेज मिलेगा वो सिर्फ कमांड में मिलेगा। तो अगर हम बात करेंगे रिसेट की लाइन, क्लॉक और DSL पे हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि ये हमारी कमांड लाइन है और ये हमारी CPU से हमें मिलती है, सो यहाँ पर हम केवल
जिया चेक करेंगे, एक बार जिया दिखाइए मल्टीमीटर में, देखिए पहले ऊपर दिखाइए तो A7 एक दो तीन चार पाँच छ सात, देखिए ये जो दिख रही है यहाँ पर GR, ये जो GR है ये हमारा आपका DSL का है। और अब इसके बाद में हम GR जो चेक करेंगे वो हम चेक करेंगे यहाँ पर आपका क्लॉक का B8, तो ध्यान दीजिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ दिखाइए यहाँ पर, देखिए 485। अब इसको रिवर्स मोड पे लूंगा, देखिए यहाँ पर देखिए अभी 540 आ रहा है। अब देखिए एक बार मल्टीमीटर चेंज करता हूँ और एक दूसरे मल्टीमीटर से एक बार देखता हूँ, क्योंकि ये मल्टीमीटर हमारा ऑस्किलोस्कोप मल्टीमीटर है। यहाँ पर दिखाइए जरा, पास आइए, देखिए हमने मल्टीमीटर को ऑन किया और हमने इसको यहाँ पर देखिए डायोड मोड पर रखा हुआ है। अबे तुम्हारा फोन, ठीक है, डायोड मोड पर रखा हुआ है। अब हम इसको चेक करेंगे तो B8 पर मैं रिवर्स रीडिंग के साथ चेक करूंगा। पहले देखिए यहाँ पर मल्टीमीटर में रीडिंग दिखाइए, देखिए तो यहाँ पर ये मेरा आ रहा है जो क्लॉक का GR नॉर्मल GR। अब मैं देखो रिवर्स कर रहा हूँ, रिवर्स दिखा दो यहाँ पर, देखो अब मैं इसका ये सिरा ग्राउंड और ये सिरा मैं प्लस पर रख रहा हूँ, मैंने जहाँ टेस्टिंग है दिखाइए यहाँ पर। सो देखिए अगर मैं इससे रिवर्स ले रहा हूँ तो यहाँ पर भी 449, मतलब देखा जाए तो ये GR मेरा ओके GR है। तो हमें ओके ICU का ये GR लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि फिर अगर मान लो इस पे 1000 के ऊपर आए तो फिर हम ये समझ सकते हैं कि लाइन लीकेज है। अगर तो हमारा क्या क्या डन हो गया, हमारा VCC VCCQ मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे थोड़ा जूम करें, हमारा क्लॉक की लाइन, हमारा रीसेट, हमारा कमांड और हमारा डाटा। अब पर ये डाटा क्या काफी है? नहीं, जो आपका प्रोग्रामिंग होती है वो डाटा के बिट पे होती है, जैसे बोलते हैं ना डाटा 0 से डाटा 7, बेसिकली 8 लाइनें होती हैं। जब आप ISP करते हो तब एक ही लाइन कनेक्ट होती है, पर जब आप इसको ई सॉकेट में लगाते हो तो सारी लाइनें कनेक्ट होती है, इसलिए उस पर प्रोग्रामिंग तेज होती है और उस पर प्रोग्रामिंग थोड़ी धीरे होती है, मतलब जो फ्लैशिंग करते हैं। सो यहाँ पर डाटा 0 से डाटा 7 तक आपको GR तो चेक करना ही करना है, बट आप एक बार दिमाग में रखिए, यहाँ पे दिखाना चाहूंगा कि इन सब पर देखा जाए तो डायग्राम के हिसाब से एक पुलअप रजिस्टर लगे होते हैं जो तकरीबन 50K के होते हैं, 50K के पुलअप रजिस्टर होते हैं। और जनरली कुछ मोबाइलों में ये रजिस्टर NC होते हैं, NF भी बुला सकते हैं और NC बुला सकते हैं। तो NC मतलब नॉट कनेक्टेड, तो मतलब ये नहीं होते हैं। तो इसका मतलब जब ये नहीं है, मान के चलिए नहीं है, तो फिर यहां से वोल्टेज नहीं आएगा, तो ये वोल्टेज आएगा आपका डायरेक्ट CPU से। सो आप देखिए डाटा की लाइन पे मुझे वोल्टेज मिलना चाहिए, अब देखते कितना वोल्टेज मिलता है तो हम उसे मेजरमेंट करेंगे। सो डाटा की लाइन पर भी हमको तकरीबन वोल्टेज मिलना चाहिए, चलो नोटिस करते कितना वोल्टेज मिलता है। और हमें डाटा की लाइन पर अगर वोल्टेज नहीं मिला तो हम ये समझेंगे कि डाटा कनेक्टेड नहीं हो रही है, क्योंकि वो एक्टिव नहीं हो रही है। सिर्फ VCC VCQ चेक करके आप सारा काम नहीं कर सकते। अब देखिए मैंने यहाँ पे वोल्टेज पे डाला, अब पहले यहाँ पर डाटा की लाइन देखता हूँ। जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल डाटा 7 ये है B4 पे और डाटा 6 ये है A5 पे, तो यहाँ पे B4 और A5 देखेंगे, ध्यान रखिएगा B4 और A5 देखिए। तो यहाँ पर मैंने प्रोब लिया है, हालांकि वोल्टेज चेक कर रहा हूँ तो माइनस में वोल्टेज आएगा, तो B4 और A5 देखते हैं, एक दो तीन चार पांच। तो यहाँ पर देखिए यहाँ रख रहा हूँ, अब दिखाइए यहाँ पर, तो मैं चार्जर नहीं लगाया, सॉरी मैं चार्जर लगाऊंगा और उसके बाद मैं वोल्टेज चेक करूंगा। मैंने अभी GR चेक करने के लिए चार्जर निकाल दिया था, अब देखिए चार्जर लगा दिया है, अब मैं डाटा की लाइन पर वोल्टेज चेक करूंगा। तब लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत जरूरी है क्योंकि आपको सीखना है, बहुत जरूरी है। देखिए एक दो तीन चार पांच, सब लोग ध्यान दीजिए यहाँ पर वोल्टेज का। तो पहले मैं देखता हूँ, तो मैं चार्जर लगाने के बाद ये मेरा केबल को फिर से कनेक्ट कर देता हूँ, प्रॉपर तरीके से मेरा चार्जर जब कनेक्ट होगा तो ही मुझे इनपुट आएगा, क्योंकि बेसिकली ये सिस्टम ओके की लाइन के थ्रू ये मेरा LDO वोल्टेज बनवा रहा है यहाँ पर। तो एक मिनट मैं देख लेता हूँ, क्योंकि इसके भी वायर हैं उसके भी वायर हैं, तो ये बहुत कंफ्यूजन होती है जब भी हम यहाँ पे काम करते हैं, तो दोनों के वायर हमें मिल जाते हैं, देखते हैं। चलिए देखिए दिखाइए, तो अब यहाँ पे पांच गिनूंगा, एक दो तीन चार पांच, देखिए 1.5 मिल रहा है वोल्टेज। अब यही 1.5 सब पे मिलना चाहिए, जैसे देखो A5 देख लिया, अब जैसे देखो B4, सब लोग दिखाओ यहाँ पर, देखो B4 मतलब डाटा 7,
A10 पे भी दे सकता हूँ, फिलहाल B4 पे देख लेता हूँ। B4 और B5 तोरों पे बन 5 मिलना चाहिए। नोटिस कीजिए, तो यहां पर तो हम गिनेंगे B4 B5। देखिए हम यहां पे गिनेंगे B4 B5, 1 2 1 1 2 3 4। देखिए दिखाइए, देखो 1.5 1.6, यहां दिखाइए, देखिए 1.6। इसका मतलब यह है कि आपकी डाटा की लाइन भी एक्टिव हो रही है, और डाटा की लाइन पर भी वोल्टेज आना जरूरी है। सिर्फ VCC क्यों नहीं देखना है, इन सारी लाइनों पर वोल्टेज देखना है। अब बात करते हैं, अब हमारा हमने रैम का EMMC का पार्ट तो हमने पूरा डन कर लिया, हमने पावर चेक कर लिया, EMMC चेक कर लिया। मान लीजिए किसी फोन में ये हमारा 0.08 पे स्टक भी होता है, या मान लो रिटर्न होता है। देखो स्टक हो गया तो समझ में आता है कि EMMC का फॉल्ट भी हो सकता है, उसको रैम उसको डाटा को वोल्टेज नहीं मिल रहा तो भी स्टक हो जाएगा। पर अगर ये रिटर्न हो जाता है तो समझो कि रैम प्रोसेस नहीं कर रहा है, हो सकता है, और कुछ कुछ फोनों में ये स्टक भी हो सकता है। तो अब आपने देखा कि ये जो है ना, ये सिर्फ EMMC नहीं है, ये है EMCP, मतलब एम्बेडेड मल्टीमीडिया चिप पैकेज, मतलब ये पैकेज है। और ये पैकेज है आपका जिसमें हमारा रूम, मतलब हमारा EMMC, और जिसमें हमारा MCP जिसको हम बोल सकते हैं MCP, और जिसमें हमारा रैम रूम और रैम ये लगा होता है। आइए अब आपको मैं सिखाता हूं कैसे रैम को चेक करना है इसी वीडियो में। सो देखो रैम के पार्ट, और यही चीज मैंने फिर से बताऊं, मैंने अपनी बुकों में डाला है, यही चीज मैंने अपनी बुक में भी डाले। सिर्फ परचेस करना है ये बुक, आपको बहुत फायदा मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि भाई थोड़ा बहुत नॉलेज अगर मिल जाए, एक टी शर्ट के दाम पे ना, देखिए टी शर्ट के दाम पे नॉलेज है। चलो देखो अब यहाँ पे थोड़ा मैं पार्ट समझाना चाहता हूँ। रैम में बेसिकली क्या क्या लाइन होती है, तो मैं यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जूम है, यहाँ पे जूम दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो रैम के पार्ट में सबसे पहले आप देखो तो इसको भी दो पार्ट में बांटा गया है। पहला पार्ट आप पावर बोल सकते हैं, और दूसरा पार्ट आप पूरा लाइन डाटा का, रैम का प्रोसेसिंग डाटा, जिसमें आप देखिए इसका जो कोडिंग है ये CA, जो 0 से 9, मतलब 9 बॉलों से कनेक्टेड है, 9 पैडों से। फिर DM, ये भी 9, ये 3 पैड से कनेक्टेड है, और DQ, तो ये इन आउट डाटा है। तो बेसिकली इसको जो हम CPU से दिखाते हैं, इसका जो कोडिंग होता है वो होता है EBI0। सो बेसिकली इसको बोलते हैं EBI0 CA, और ये 0 से 9 तक होता है, और ये भी होता है EBI0, और ये DM, और ये EBI0, और ये DQ। तो ये सारा सब कुछ CPU देता है। अगर इसमें से एक भी पैड, क्योंकि मैंने यहाँ पर 9 बनाया है, ये 9 कनेक्टेड नहीं रहते, अलग रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक अलग लाइन जाएगी CA1 CA2 CA3 CA4, मैं दिखाता हूं, देखिए ऊपर अगर मैं यहां दिखाऊं, ये देखिए जैसे यहां पर आपको दिखाता हूं, देखिए जैसे ये दिखा रही, नोटिस कीजिएगा, देखिए यहां पे दिखा रहा है CA0 से CA9 तक। तो ये मैंने यहां पर बताया 0 से 9 तक, और ये लाइन EBI0 CA0। सो बेसिकली ये लाइन CPU से आती है, मतलब हर लाइन का एक अलग GR है, और हमें इस पर यहाँ पर खाली ये चेक करना है कि GR कनेक्टेड है कि नहीं। हमें यहाँ पर वोल्टेज नहीं चेक करना है, तो CA की बात करेंगे तो यहाँ वोल्टेज नहीं चेक करेंगे, DM पे वोल्टेज नहीं चेक करेंगे, DQ पे। अगर मैं यहाँ पे बताऊं तो VSQ, जैसे Q का वोल्टेज अलग दे दिया, VSS मतलब ग्राउंड, टेक्निकली भाषा में बात करें VSS अलग है, VSS CA अलग है, और एक VSS M, मतलब हर लाइन जो बन रही है उसका एक डेडिकेट ग्राउंड दिया हुआ है। तो हम देखते हैं ना NCs है, NCs आप देखेंगे यहाँ पर VSF DNU, ये दो NCs मिल जाएंगे आपको, और यहाँ पे एक वोल्टेज रेफरेंस CA और DQ में आपको एक लाइन मिल जाएगी जो CPU से कनेक्टेड होगी, जिसपे एक वोल्टेज डिवाइडर रजिस्टर से थ्रू यहाँ पर वोल्टेज सेंस के रूप में मिलेगा, ठीक है। सो सबसे पहले देखते हैं कि रैम के वोल्टेज क्या है, और रैम के वोल्टेज समझना जरूरी है। सो बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, रैम पे दो तरीके से वोल्टेज आते हैं। पहला एक L5 1.8, कोई L5 मतलब 1.8 वोल्टेज जो होता है वो कि VDD1 पे आता है, मतलब इसमें अगर मैं VDD1 ढूंढूं, ध्यान दीजिएगा इसमें VDD1 ढूंढूं, देखिए तो इसमें मेरा जो VDD1 है वो पावर में मिल जाएगा मुझे, ये देखिए ये VDD1। तो ये जो VDD1 है ना, सिर्फ इतने बोलो पर मुझे 1.8 वोल्टेज मिलना चाहिए, और ये बेसिकली कनेक्टेड होता है
तुम्हारे इस 1.8 के साथ, क्योंकि ये L5 है, दोनों पर एक है, तो हम ये भी चेक कर लेते हैं VDD1, और उसके साथ इस पर VDD2 भी आता है। तो ध्यान दो यहाँ पर, ये VDD2 यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, मैं थोड़ा चाहूंगा पास से थोड़ा और वीडियो बनाए तो ताकि अच्छा है, नहीं तो ब्लर आ जाएगा। हाँ, सो यहाँ पे VDD2 भी आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए जो VDD2 है उस पर जो वोल्टेज है वो 1.2 आता है। बेसिकली ये रैम के वोल्टेज है, आप रैम पर भी 1.8 चेक करना है और रैम पर भी 1.2 चेक करना है। और कुछ मोबाइलों में ये वोल्टेज आपको L2 या LDO की सप्लाई से मिल जाएगा, L2 L3 किसी भी, और कुछ मोबाइलों में यही वोल्टेज आपको इसकी बक वोल्टेज से मिलेगा। बेसिकली ऐसा लिखा होगा वोल्टेज रेगुलेटर S3 इस तरीके से 1P2 मतलब यही आपको वोल्टेज एक बक वोल्टेज बनाती है। जैसे मीडियाटेक में वो 1.2 एक्स्ट्रा बक आपने देखा होगा, सुना होगा, IC बहुत सारे टेक्नीशियन काम कर रहे हैं आजकल मार्केट में, हर चीज बता रहे हैं भाई, तो हमें भी बनता है कि हम भी बहुत अच्छी चीजें बताएं। सो ये भी मिलता है, तो यहाँ से बेसिकली आप देखो तो ये भी बक वोल्टेज से 1.2 बिल्कुल उसको बनता है। अगर बक वोल्टेज नहीं बनाएगी रैम के लिए वोल्टेज, तो भी आपका फोन चालू नहीं होगा। तो ये बहुत जानना जरूरी है। तो इन दोनों वोल्टेज को चेक करते हैं, तो एक VDD1 और VDD2 ध्यान दीजिएगा। तो एक VDD1 एक VDD2 और इन वोल्टेज को भी आपको सिर्फ चार्जर लगा के चेक करना है, तो ही आपको जो स्टक रीडिंग है या रीडिंग आके जा रही है तो ये रीजन आपका हो सकता है। तो सबसे पहले मैं VDD1 दिखाना चाहूंगा। सो VDD1 मैं चेक कर लेता हूं, जैसे बात करते हैं F3 में, देखो F3 में VDD1 चेक कर लेता हूं। अच्छा, बहुत सारे लोग को देखते हैं कि बोर्नियो भाई, बोर्नियो से कर लेंगे, पर मेरे भाई बोर्नियो की गलती, चलो एक बोर्नियो की गलती दिखाता हूं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि बोर्नियो ना समझे वो है, पर ये है कि बोर्नियो में जो काम कर रहे हैं वो कोई एक इंजीनियर नहीं है, दे आर नॉट इंजीनियर, दे आर लाइक अ टेक्नीशियन, और वो भी ये मान के चलो कि कहीं ना कहीं मिस्टेक उनसे भी हो रही है। देखो दिखाता हूं, नोटिस कीजिए सब लोग बोर्नियो की गलती। यहां पर देखिए, अगर मैं यहां पर ये बोर्नियो को खोला, देखो दो मॉडल खुले हुए हैं, एक रेडमी 4X एक रेडमी 8A, दोनों में जो IC लगा हुआ है वो VJ221 है। नोटिस कीजिएगा, देखिए इस पे भी VJ221, ठीक है, और नोटिस कीजिएगा रेडमी 4X में यहां पर भी VJ221। तो जब हम बोलो कि काउंटिंग करते हैं, तो ये भी हम जो स्टूडेंट को सिखाते हैं, भाई अगर आपको नहीं आता है तो मेरी बुक में मैंने ये भी लिखा कैसे बताया कि कैसे काउंट करना है, सारी चीजें टेक्निक बताई है, आप वो भी परचेस कर सकते हैं। बाकी भाई प्रैक्टिकल के लिए तो क्लासेस ज्वाइन करो। सो देखो पहला रेडमी 4S के हिसाब से करते हैं, मान लो आप इसके हिसाब से अगर ढूंढ रहे हैं तो हो सकता है कि आप गलत ढूंढ रहे हो, इसलिए आपको नॉलेज होना चाहिए कि मैं जो ढूंढ रहा हूं वो एक्चुअली मुझे भी पता है कि नहीं पता है। देखिए तो हमें ढूंढना है F3 का पैड, हम चाहे तो यहां से काउंट कर सकते हैं, पर जब बोर्नियो होता है तो हम उस पर डिपेंड हो जाते हैं। तो देखिए यहां पर आप नोटिस करना, ये A, देखो सब लोग देख लो, A B B के बाद C C के बाद D और D के बाद E आता है, जो कि यहां पर गैप है और उन्होंने E यहां डाल दिया है। अब यही चीज 8A में देखो, यहां पर नोटिस करना, तो ये देखो यहां पर देखो A B C D E और फिर F, ये गलती है, आप गलत पढ़ लोगे गलत पैड पर, तो ये गलती है मेरे भाई, ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बिट मैप में बोर्नियो ने गलतियां की हैं, बहुत सारी की हैं। खैर हम यहाँ पे F3 देखेंगे, तो F3 हमारा बेसिकली ये इसका दूसरा नंबर का पैड है, ये पैड है, ये हमारा F3 है और F4 में भी जा रहा है। सो हम यहाँ पे देख लेंगे कि F4 में देख बिल्कुल, तो यहां पर ना हमको 1.8 मिलना चाहिए। अगर तुम्हारे फोन में MMC से रिलेटेड तुम्हें फॉल्ट लग रहा है या तुम्हें रैम के रिलेटेड लग रहा है, तो भाई पहले सारी वोल्टेज चेक करो, फिर बेधड़क MMC को चेंज करो, तो क्योंकि IC खराब है, IC के भी GR चेक किए जा सकते हैं, पर खाली GR से काम नहीं करना है ना। देखो यहाँ पे वोल्टेज दिखाओ और देखो, अब स्क्रीन दिखाता हूं, ये देखिए नोटिस कीजिएगा, तो मुझे चेक करना है F3 F4, देखिए तो यहां पर मैं F3 F4 चेक करूंगा, तो ये A B C D E F, F1 F2, यहां पर मैं चेक करूंगा और फिर से मैं चार्जर लगा लेता हूं। और दोस्तों मेरी वाइफ वीडियो बना रही है काफी आधे घंटे से, एक घंटे से, बेचारी खड़ी खड़ी होकर थक गई है, तो एक बार मेरी वाइफ के लिए प्लीज लाइक कर दो इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करो। क्या कहना चाहोगी? यस,
थक गए आप? और डेडिकेशन के साथ वीडियो बनाया है इन्होंने आज, तो वोल्टेज चेक करेंगे। चार्जर लगा कर फिर से ठीक है, देखिए F2 तो दिखाइए, देखिए 1.7, देखो मैं कहां रखा है, देखो F2 F3 में रखूंगा, दिखाइए देखो 1.7। अब ये 1.7 का मतलब ये है कि बेसिकली यहां रैम को वोल्टेज मिल रहे हैं और ये L5 वाले वोल्टेज है, L5 हम L5 तो देख लेते हैं, अब हम देखते हैं बेसिकली L2 या जो हमारे बक से बनते हैं और ये बनने चाहिए 1.2। सबसे ज्यादा इसी वोल्टेज का फॉल्ट होता है दोस्तों, और ये वोल्टेज मिस होते हैं ना तो रीडिंग बैक हो जाती है, मतलब जो आपका DC का मशीन। अब देखो ये हमें मिलना चाहिए VDD2, सब लोग ध्यान दो इधर, VDD2 देखेंगे यहां पर, ये देखो। सो हम इसमें F5 पे जाएंगे, F5 तो सब लोग ध्यान दो, F5 तो F5 को गिनूंगा, F5 ध्यान दीजिए, F5 को गिनते हैं, इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अरे मोबाइल रिपेयरिंग में खूब मजा आता है जब नॉलेज मिले तो, और जब नॉलेज नहीं हो ना तो ऐसा लगता है भग जाओ दुकान से या छोड़ दो या ये धंधा किसी काम का नहीं, क्योंकि गलती कर रहे हो, ऑनलाइन सीख रहे हो तो नॉलेज कहां से आएगा, गलती कर रहे हो कहीं से भी सीख रहे हो तो नॉलेज कहां से आएगा। अरे भाई जो लोग है ना वो कम नॉलेज, इंडिया में नॉलेज ही तो कम है, बस यही तो बात है, और सही नॉलेज दे नहीं रहे। तो देखिए सब लोग ध्यान देना, थोड़ा सा अच्छा जूम करके दिखा देना मल्टीमीटर, और ये तो देखो F5, तो एक F5 को गिनूंगा तो बेसिकली नोटिस करना ये है VDD2 F5 F8 यहाँ पर, ठीक है, और ये इतने सारे पे मुझे VDD2 मिलना चाहिए। और अगर मैं इससे जाऊंगा तो देखो F5 मेरे को यहाँ आ रहा है ना, तो मेरा F5 मैं गिन लूंगा, बाकी नहीं तो मैं यहाँ से अपने खुद से भी गिन सकता हूँ, तो एक बार गिन लेता हूँ। देखो 1 तो ये निकल गया, 2, 3, 4, 5, 1.2 देखो, दिखाइए स्टेबल, यस दिस इज वोल्टेज फॉर रैम विच इज कम फ्रॉम एक्चुअल फ्रॉम पावर IC डायरेक्टली, एंड जिस लाइन को हम बोलते हैं VREG L2 या L2 की सप्लाई, या दिस लाइन इज ऑल्सो कम फ्रॉम बक, तो ये बक से भी बन सकती है, और अगर तुम्हारे बक नहीं बन रहे होंगे ना और ये वोल्टेज मिस होंगे तो भी तुम्हारा सेट पर सेम UMC वाली रीडिंग आ सकती है। सो ये सारी चीज बताने के लिए भाई मैंने आपको ये वीडियो बनाया था। सो आई होप कि आपको ये पर्सनली वीडियो पसंद आए, शुरू में हो सकता है आपने यहाँ पे 2 लाइन खींची देखी हो, तो भाई मेरे वो यहाँ पे एक लाइन बाय मिस्टेक खींच दी थी इसलिए मैंने हटा दी है, क्योंकि जब मुझे बताना है तो ऑब्वियस है कि मैं बिल्कुल एक्यूरेट ही बताऊंगा, और ये सब कुछ टेस्टेड एक बार बिट प्रैक्टिकल कैसा लगा वीडियो बताएगा जरूर। और इसके साथ में अगर आपको यहाँ दिखाइए, ये देखो दिखाइए थोड़ा पास लाइए, ये देखो ये हमारे नाम बताएंगे, देख ये हमारे अब्बास, ये रॉकी रजा इन्होंने लिए है ये बुक दोनों, फिर यहाँ पर दिखाइए ये अब्बास ने लिए 3000 यहाँ पर भी, और ये एक सिंगल बुक ली है इन्होंने, और ये है इनका नाम, है नाम इनका लिखा होगा, देखो इनका नाम यहाँ नहीं लिखा है, तो मेरे ख्याल से ये है ना सूर्य भान है, और एक बुक और है जो हमें ये कल हमें 4 बुक हमें निकालनी है। अगर आपको बुक परचेस करनी है तो यहाँ पे दिखाइए, तो आप कुछ मत कीजिएगा, एसर टेलीकॉम आइएगा, यहाँ लिखिए एसर टेलीकॉम, पहली वेबसाइट ये देखो ये .in मिल जाएगी, देखो देख लो एसर टेलीकॉम .in भी लिख सकते हैं, जैसे इसको खुलेगा तो वैसे ही आपको ये 2 बुक मिल जाएगी। आप चाहें तो इसको टिक भी कर सकते हैं, और यहाँ से आप इसको पेमेंट कर सकते हैं, ईमेल फोन फुल नंबर एड्रेस देके, और आप चाहें तो आप यहाँ पर देखिए एक बटन दिया हुआ है बाय बटन, तो यहाँ पर आप जैसे मुझे हार्डवेयर खरीदना है या मुझे दोनों खरीदना है या मुझे सिर्फ सॉफ्टवेयर खरीदना है या हार्डवेयर खरीदना है, और नेक्स्ट बटन देके अपनी डिटेल यहाँ पर डालिए और पेमेंट के लिए जाइए। सबसे अच्छी बात बता रहा हूँ, यहाँ पर आप बारकोड से पेमेंट कर सकते हैं, आप EMI कर सकते हैं, बुक को EMI पे परचेस कर सकते हैं, कार्ड से ले सकते हैं, वॉलेट से ले सकते हैं, कहीं से भी। सो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो बताएगा जरूर, क्योंकि इस बार मैंने आपको बताया है MMC VJ221, और बेसिकली अगर मैं इसके बारे में और डिटेलिंग करूं तो एक छोटी सी डिटेलिंग
और मैं आपके साथ मैं इसके साथ शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ पे दिखाइए बस लास्ट एक छोटी सी, मेरी वाइफ मुझे देख रही है बता रहे हाँ दिखा लो। देखो एक ईएमसी के अंदर जो बेसिकली आपके मेन पॉइंट होते हैं जिसको हाईलाइट होना चाहिए वो उसका पार्ट नंबर होता है जो ईएमसी के ऊपर लिखा होता है। दूसरा वो मैन्युफैक्चर किस कंपनी की है, जैसे एसके हाइनेस या सैंडिक्स या सैमसंग तोशिबा। और उसके बाद में बात करेंगे यहाँ पे ईएमसी और यहाँ पे उसका रैम का वर्जन है कि रैम किस वर्जन की है, DDR3 है 4 है। और यहाँ पर उसके बाद बताया उसका साइज, रैम का साइज 32 GB। और यहाँ पर वर्जन देखो ईएमसी के भी वर्जन आते हैं 5.1 5.0, उससे पहले आते थे 4.3 4.4 4.5, ये सारे वर्जन आते थे। अब उसके बाद यहाँ पे बताया कि जनरेशन, इसमें भी जनरेशन आती है। फिर उसके बाद बताया पैकेज FPGA मतलब फाइन पिच बॉल ग्रिड एरे। और यहाँ बताया 221 बॉल जो कि यहाँ पर है और जो कि मैं बहुत जल्दी अपने स्टूडेंट को इसका पूरा डाटा देने वाला हूँ, जैसे बताया है GR नॉर्मल रिवर्स और वोल्टेज के साथ। फिर उसके साथ में बात करेंगे ये पैकेज मटेरियल लीड और हैलोजन से फ्री, हैलोजन से बल्कि मतलब सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है ये। रोम और रैम की स्पीड बताइए, रोम की स्पीड है 104 Mbps और रैम की स्पीड है 1866 Mbps विच इज सो अमेजिंग है ना। और ऑपरेटिंग टेम्परेचर बताया -30 degrees तक ये कैपेबल है ये चलने के लिए। सो ओवरऑल वीडियो आपको कैसा लगा बताएगा जरूर। और इसके साथ मैं अपनी वाइफ से पूछना चाहूंगा, हाँ भाई बताइए कि आपने इतना टाइम दिया मुझे, क्या कहना चाहोगे आप सब्सक्राइबर को? सब्सक्राइब द चैनल, जॉइन एशिया टेलीकॉम और इंक्रीज योर नॉलेज। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग कीप ब्लेसिंग। सर मिस्टर अभी तक कोई यूट्यूब में नहीं बताया होगा। क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? सीपीयू निकल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1 है जी। तो अभी आप इसका सीपीयू निकालने वाले हैं।